जय हो सूर्यदेव, जय सूर्यदेव। पूरे प्रचंड रूप में निकल चुके हैं सूर्यदेव, और मैं अब उठा हूं यार। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्वीटी, गुड मॉर्निंग गोल्डी। धूप सेक रहे हैं दोनों आज। ये कहाँ छुप गई, कहाँ छुप गई अभी अपनी बहन के पीछे? कैमरे से डर रही आज। ओ अच्छा, मुंह नहीं धोया तूने आज, है ना? मुंह साफ नहीं किया आपने? किया आपने? किया मुंह साफ? ओके, तो देखते हैं आज क्या बना रहे हैं मम्मी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। हाय, हैप्पी रिपब्लिक डे। सेम टू यू। गुड मॉर्निंग बाबा जी। हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू थैंक यू। ये है नानी जी। गुड मॉर्निंग नानी जी। फ्रेंड्स, अब मैं छिनी हथौड़ा लेके मिस्त्री बन रहा हूँ। अब करना क्या है मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली ये टाइल यहाँ की टूट गई यार, एक दिन बहुत जोर से लग गई यहाँ पे, मैकेनिकल डैमेज हो गया था यहाँ पर। तो अब इस टाइल को लगा देता हूँ यार, बड़ी भद्दी लग रही है यहाँ पर। टाइल जुड़ चुकी है अब यहाँ पर, बढ़िया साफ होके, और इस साइड को सीमेंट लगा के। तो बताइएगा फ्रेंड्स कैसी लग रही है, कैसा हूं मैं मैशन। हेलो दीक्षी। हाय। तो फ्रेंड्स, अब मैं गोबर फेंकने जा रहा हूँ खेत में। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं आंवले के पेड़ के पास, और ये देखिए नीचे को ढांक, और ये बचे हैं ऊपर आंवले। नीचे नीचे की साइड को बचे हैं, ऊपर वाले तो हमने निकाल दिए हैं पहले, अब ये नीचे की साइड को बचे हैं। और जब एक भी आंवला नीचे गिरता है तो ज्यादा नहीं तो बहुत नीचे जाता है यार फ्रेंड्स। ये देख लीजिए आप, वो चला गया आंवला नीचे। तो फ्रेंड्स, ये निकाल लिए हैं मैंने आंवले, मैंने और पापा जी ने, और हाथों के हो गए बुरे हाल यार, खून निकल गया बहुत जगह, खरोचे ही खरोचे आ गए इन झाड़ियों में आंवले इकट्ठे करते करते। दो मोर के पंख भी मिले हैं प्यारे प्यारे, घर पहुंच के बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स, अब हम घर पहुंच चुके हैं, और ये मिला हमें मोर का पंख, ये मिला हमें मोर का पंख। फ्रेंड्स, अब खाना खाने का टाइम हो चुका है। चपाती है, खीरा है, दाल है, और चावल भी है, और दही भी है, और मम्मी जी गरम कर रहे हैं कुछ, ऊपर मीठा बनाया है मम्मी ने, देखते हैं क्या मीठा है। मीठे में सेवियां बन रही है आज, गरम हो रही हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, खा लेते हैं हम खाना, आप भी खा लीजिए। ओ मक्खन नहीं है आज, मक्खन निकाला जाए फ्रिज से, मक्खन तो हम भूल ही गए खाना। और ये आ गया मक्खन। फ्रेंड्स, अब मेरा बैग पैक हो रहा है, ये खट्टे हैं, ये आंवले हैं, ये मेरा बैग है, और ये मम्मी ने मेरे को पूड़े बनाई हैं, इनको मैं ले जा रहा हूँ इस बार साथ में। तो फ्रेंड्स, अब मैं वापस आ रहा हूँ सोलन की तरफ, और सैंडी बाय बाय, सैंडी बाय। मम्मी जी जा रहे हैं मेरा बैग उठाकर आगे, इसमें है आंवले खट्टे, उसी से बैग भर गया यार पूरा। फ्रेंड्स, अब मैं जा रहा हूँ सोलन को, चलते चलते एडजस्ट होना है। ठीक है बाबा जी, फिर ओके, बाय बाय। चलते हैं अब सोलन की तरफ। हाँ जी हाँ जी, पर्स डाल लिया, ठीक है ना? जय माता दी। फ्रेंड्स, घर से जाने का मन तो नहीं कर रहा यार, बट जाना पड़ेगा। चल पहुंचते हैं फिर सोलन जल्द से जल्द। और इस कट्टी ने मेरा रास्ता रोक दिया यार। हेलो ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स, अब मैं डुमहर के पास जो ग्राउंड है वहां पहुंच चुका हूं, और एक मैच यहां पर खत्म हो चुका है फिलहाल, तो अब दूसरे मैच की तैयारी चल रही है। बहुत ही बढ़िया ग्राउंड है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा स्कोर बनता है यहां पर, 12 ओवर का मैच होता है।
और फ्रेंड्स ये है शिव गुफा, कुनिहार में है ये। किसी दिन आऊँगा मैं यहाँ फुर्सत में, तब मैं कवर करूँगा यहाँ पर भी। फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऐसा स्पॉट है रोड में जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर और मेरी आर्म फ्रैक्चर हो गई थी यार। तो ये है वो स्पॉट जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था यार। मैं सोलन से घर की तरफ को जा रहा था और मेरी लेफ्ट आर्म फ्रैक्चर हो गई थी। और हम अभी गंबर पुल के पास पहुँचने वाले हैं। फ्रेंड्स अब मैं स्टेशन में पहुँचने वाला हूँ और यहाँ पर आर्मी का एरिया स्टार्ट होता है। और ये है जय हिंद सर, और ये मिलिट्री के जवान खड़े हैं सभी। लेफ्ट साइड को नीचे बस स्टैंड है। चलिए बस स्टैंड होता हुआ ही चलता हूँ यार, बस स्टैंड दिखाता हूँ आपको सुबह टू का। स्पीड ब्रेकर्स हैं यार, दिख भी नहीं रहे स्पीड ब्रेकर यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये है सुबट्टू का बस स्टैंड। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही सारी बसेस खड़ी हैं। आगे भी बस है, पीछे भी बस है, पूरा रोड ब्लॉक है। मुझे अब साइड से निकलना पड़ेगा, तो निकलते हैं हम बिल्कुल साइड से। ये है स्पॉट, बहुत ही बिजी बस स्टैंड है यार। ये बहुत ही बिजी बस स्टैंड। राइट साइड को धर्मपुर के लिए रोड चला जाता है और हमने जाना है लेफ्ट साइड सोलन के लिए। स्टॉप फॉर चेकिंग मिलिट्री एरिया। यहाँ पर ऊपर बाबा जी का मंदिर है और ये आर्मी ऑरेंज। जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद। तो फ्रेंड्स मैं अब पहुंच चुका हूं सोलन में और ये अभी पूरी द्वाल पहुंचा मैं। बहुत ही बढ़िया धूप लगी है यार यहाँ पर। तो ये है सोलन का तोरी द्वाल और सामने देखिए चलान हो रहे हैं बंदों के। ऐसा लग रहा है नया नया शहर है, इतने दिनों बाद घर से आया हूँ यार। और बाईपास में इतना जाम, ओह नो। फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ अपन अंदर मेन मार्केट के लिए। अब हम पहुंच गए पैरागॉन। पैरागॉन से लेंगे हम लेफ्ट साइड को टर्न और सीधा शॉर्टकट न्यू स्टैंड के लिए। और ये कौन दिखा? ये है शिव कुमार ठाकुर जी। और भाई साहब क्या हाल है? बाबा ये तो आएगा यूट्यूब। तो फ्रेंड्स अभी ये मिल गया यहाँ पर, ये शॉर्टकट पेट्रोल पंप भी ये सामने है। और मेरे राइट साइड को है न्यू बस स्टैंड सोलन। अब हम जा रहे हैं रूम की तरफ अपने। और ये सामने है गवर्नमेंट ITI सोलन। वाओ यहाँ भी पेट्रोल पंप खुल गया यार, नया पेट्रोल पंप। तो फ्रेंड्स अब मैं रूम पहुंच चुका हूँ और अभी सामान बिखरा पड़ा है। एक्चुअली हमने पर्याड़े रूम के लिए शिफ्ट करना है, वहाँ टाइलें लग रही थी। फिर अभी हम साथ वाले कमरे के लिए शिफ्ट हुए हैं। और भाई ये ठाकुर साहब हमारे छुपते छुपाते खेसी में रणवीर छोरा प्योर जाट। और ये हमारे मिस्त्री साहब, इन्होंने हमारे रूम में टाइलें लगाई हैं। धन्यवाद मिस्त्री साहब। अगर मेरा मंथली पड़ता तो मेरा जाता डायरेक्ट बैंक हिसाब से, तो मैं मंथली पेयर बिल ना करूं। मेरे बारे की समझी आपकी बात में? हाँ, मैंने नहीं अभी नहीं समझा। और लिख के बता भाई, लिख के। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि अभी रूम भी शिफ्ट नहीं हुआ यार।
दूसरे रूम को शिफ्ट करना है हमने, उसमें थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग रह गई है करने को। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।